दुनिया में ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें हम बचपन से सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन उनके जवाब हमें अभी तक नहीं पता। जैसे दुनिया में पहले एक मुर्गी आई या अंडा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सवाल का जवाब देने जा रहे हैं जिसके ऊपर लंबे समय से बहस चल रही है। कई शाकाहारी लोग अंडे को मांसाहारी समझकर नहीं खाते। उनका लॉजिक होता है कि चूंकि अंडे मुर्गी देती है, इस कारण वो नॉन वेज है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो दूध भी जानवर से ही निकलता है, तो क्या वो शाकाहारी कैसे हुआ? अगर आपको ऐसा लगता है कि अंडे से बच्चा निकल सकता है, इस कारण वो मांसाहारी है, तो आपको बता दें कि बाजार में मिलने वाले ज़्यादातर अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। इसका मतलब उनसे कभी चूजे बाहर नहीं आ सकते। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने भी साइंस के जरिए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। उनके मुताबिक अंडा शाकाहारी होता है। यह तो हर किसी को पता है कि अंडे के तीन हिस्से होते हैं, छिलका, अंडे की जर्दी और सफ़ेदी। रिसर्च के मुताबिक अंडे की सफ़ेदी में सिर्फ प्रोटीन मौजूद होता है, उसमें जानवर का कोई हिस्सा मौजूद नहीं होता। कारण तकनीकी रूप से एक वाइट शाकाहारी होता है। एक वाइट की तरह एक योक में भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और फैट मौजूद होता है। लेकिन जो अंडे मुर्गी और मुर्गे के संपर्क में आने के बाद दिए जाते हैं, उनमें गैमेट सेल्स मौजूद होता है जो उसे मांसाहारी बना देता है। आपको बता दें कि 6 महीने की होने के बाद मुर्गी हर 1 या 1.5 दिन में अंडे देती है, भले ही वो किसी मुर्गे के संपर्क में आए चाहे ना आए। इन अंडों को ही अनफर्टिलाइज्ड एग कहा जाता है। इनसे कभी चूजे नहीं निकल सकते। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आज हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।